2023 का वर्ल्ड कप हम भले ही हार गए हैं, लेकिन आज वो दिन है जब 2011 में पूरा देश खुशी से झूम उठा था। और वो इसलिए क्योंकि इंडियन टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब आज ही के दिन जीता था। जी हाँ, इंडिया ने आज ही के दिन 2 अप्रैल को वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा खिताब अपने नाम किया था। धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम फाइनल में श्रीलंका को हरा कर वनडे विश्व कप 2011 की चैंपियन बनी। विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया में कई दिग्गज मौजूद थे। अब उन्हीं में से कई दिग्गजों ने विश्व कप की जीत को याद करते हुए रिएक्शन दिए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर युवराज सिंह भी शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, 13 साल पहले मेरे बचपन का सपना सच्चाई में बदला था। यादों, टीम और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के सपोर्ट का हमेशा आभारी। इसके अलावा हरभजन सिंह ने एक्स पर लिखा, जीतने वाली यानी आज की तारीख लिखते हुए लिखा, याद करने वाला दिन वर्ल्ड कप विनर्स। युवराज सिंह ने जीत को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया। बता दें कि युवराज सिंह टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। सुरेश रैना ने विश्व कप जीतने की याद में एक्स पर लिखा, अभी भी 2011 के उस ऐतिहासिक पल को सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने विश्व कप की जीत को याद करते हुए एक्स पर लिखा, 2 अप्रैल का यह दिन कभी पुराना नहीं होगा। हर साल ये दिन हमारी यादों को ताज़ा करता है। इतने बड़े पल का हिस्सा होने से गर्व महसूस होता है। सभी साथी खिलाड़ियों को मिस कर रहा हूँ। जय शाह ने भी ट्वीट करके टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, हैशटैग ऑन दिस डे इन 2011 आर मैन इन ब्लू मेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम लेड बाय द लेजेंडरी MS धोनी विथ gritty innings from Gautam Gambhir, quality batting by Sachin Tendulkar, heroic all-round displays by Yuvraj Singh and the entire squad played exceptional cricket throughout the tournament. Every moment at the electrifying Wankhede Stadium echoed with spirit of Indian cricket on this night 13 years ago. आपको बता दें कि फाइनल में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट पर 274 रन बोर्ड पर लगाए थे। टीम के लिए महिला जयवर्धने ने 88 बॉल्स पर 13 चौकों की मदद से 103 रन की पारी खेली थी। फिर लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी टीम इंडिया ने 48.2 ओवरों में 4 विकेट पर जीत हासिल कर ली थी। तो एक बार फिर से टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसी तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइफ।